तो मेरे पास ने 32 इंच का एलईडी टीवी आया हुआ है, जो कि एलजी कंपनी का है, स्मार्ट एलईडी टीवी है। तो इसमें आपको फॉल्ट दिखाते हैं, तो सबसे पहले इसको लाइन पे लगाते हैं। तो इसको लाइन पे लगाए और लाइन पे लगाते हैं, हमारा जो कि बैक लाइट है ये आ गया है और ग्राफिक्स भी आया था। फिर से देखते हैं क्या है कि हमारा ये स्मार्ट टीवी है, तो थोड़ी देर पर क्या होगा कि हमारा बैक ये जो कि ग्राफिक्स है ये आता है, जो कि आप भी देख सकते हैं कि हमारा ये टीवी पर क्या हो रहा है। तो बैक लाइट भी जा रहा है और आ भी रहा है, और जो कि हमारा यहाँ पर ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स एकदम धुंधला सा है। तो ऐसे फॉल्ट है हमारा इस एलईडी टीवी पर। तो क्या करेंगे कि इसको हम ओपन करके रिपेयर करेंगे। तो चलते हैं और इसको क्या करते हैं, तो ओपन कर लेते हैं और फिर से आपको दिखाते हैं कि हमारा इसमें इस एलईडी टीवी पर कहाँ पर फॉल्ट है, कौन सा सेक्शन पर फॉल्ट है। तो इसको सबसे पहले ऑफ कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं तो हम ओपन कर आपको दिखाते हैं। तो टीवी को कैबिनेट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई बोर्ड हो गया, ये मेन बोर्ड हो गया, और इस टीवी पर हमारा जो कि टिकन बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारा स्केलर बोर्ड हो गया, टिकन बोर्ड ये हो गया। तो क्या करेंगे कि हम इसमें हमारा फॉल्ट कौन सा सेक्शन पर हो सकता है, जो कि हमारा पावर सप्लाई तो एकदम ओके है, ओके होने के बाद ना हमारा लाइट आता है, और जो कि मेन बोर्ड हो गया, मेन बोर्ड से भी हमारा ग्राफिक्स क्या हो रहा है तो आ रहा है, लेकिन हमारा धुंधला सा है। इसका मतलब हमारा जो कि टिकन बोर्ड हो गया, तो टिकन बोर्ड को क्या करेंगे कि हम ऐसे फॉल्ट पर चेक करेंगे। तो क्या करते हैं तो इसको लाइन पर लगाते हैं। सबसे पहले आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं इस टिकन बोर्ड को। सबसे पहले टिकन बोर्ड पर ये हो जाता है हमारा डीसी टू डीसी आईसी, और यहाँ पर पेयर आईसी हो गया और ये मेमोरी आईसी हो गया। तो इसको क्या करेंगे कि हम डीसी टू डीसी आईसी ये हो गया, तो इसका जो कि हमारा यहाँ पर पिन आउट दिया हुआ है वीजीएच, तो क्या करेंगे इस पिन आउट पर क्या करेंगे कि हम वीजीएच वोल्टेज को चेक करेंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है वीजीएच, यहाँ पर वीजीएच भी लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं तो सबसे पहले इसको लाइन पर लगाते हैं, लाइन पर लगाए और ब्लैक वायर को ग्राउंड पर रखेंगे, और यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर है जो कि डीसी रेंज पर रखे हुए है, और देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो कि आप भी देख सकते हैं हमारा जो कि ये वीजीएच है ये बन रहा है, और फिर से ये 2 वोल्टेज 1 वोल्टेज पर चला जा रहा है, यानी कि हमारा जो कि ये टिकन बोर्ड है ये शॉर्ट हो सकता है, यानी कि शॉर्ट होने के कारण से हमारा ऐसा फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे कि ऐसी फॉल्ट पर सबसे पहले हम जो कि ये हमारा LVDS का जो कि वायर है इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ये शॉर्टिंग हट रहा है कि नहीं हट रहा है। तो सबसे पहले इसको फिर से हम क्या करेंगे कि हम लाइन से आउट कर दिए और इसको क्या करेंगे कि ओपन कर देते हैं, जो कि हमारा पैनल भी शॉर्ट हो जाने पर ऐसा फॉल्ट देखने को मिलता है। तो इसको ओपन कर लिए और क्या करेंगे कि हम फिर से लाइन देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कि वोल्टेज है अभी ओके हुआ कि नहीं हुआ। तो लाइन दे दिए है और ये हो गया हमारा वीजीएच, जो कि बन रहा है, जो कि अभी 27 वोल्टेज फिर से चला गया, फिर से आया, फिर से चला जा रहा है, यानी कि हमारा जो कि ये बोर्ड है शॉर्ट है कहीं ना कहीं पर। तो देखते हैं, ये हमारा जो कि डीसी टू डीसी आईसी है एकदम से हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, यानी कि हमारा ये डीसी टू डीसी आईसी इसमें ख़राब लगता है, जो कि आप भी देख सकते हैं हम ऐसे पेस्ट रख देने पर हमारा ये एकदम सा जो कि ख़त्म हो रहा है, यानी कि हमारा ये डीसी टू डीसी आईसी ख़राब है। तो इसके बदले में क्या करेंगे कि हम दूसरा डीसी टू डीसी आईसी इतना ही नंबर को लगा देंगे, तो लगता है हमारा सेट ओके हो जाएगा, या इसकी जगह पर क्या करेंगे कि हम दूसरा टिकन बोर्ड को लगा देंगे तो भी हमारा ये सेट ओके हो जाता है। तो क्या करते हैं इस वीडियो में हम दूसरा टिकन बोर्ड को लगा कर देखते हैं, जो कि ये मेरे पास ने दूसरा टिकन बोर्ड है, सेम बोर्ड है। तो इसको क्या करेंगे कि लगा कर देखते हैं और देखते हैं कि हमारा सेट ओके होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको लाइन से आउट कर देते हैं, आउट कर दिए और इस बोर्ड को ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारा ये आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो क्या करेंगे कि इस वीडियो में हम इस टिकन बोर्ड को लगा कर दिखाते हैं, और दूसरा वीडियो में क्या करेंगे कि ये मेरे पास ने होने के बाद में क्या करेंगे कि हम इस डीसी टू डीसी आईसी को लगा कर भी आपको दूसरा वीडियो में दिखाएँगे। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं और इसके जगह पर ये दूसरा टिकन बोर्ड को लगा कर देखते हैं कि टीवी हमारा ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ये दोनों स्क्रू को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा LVDS का कनेक्टर है, इसको ओपन किए और इसको क्या करेंगे कि हम सेट कर लेते हैं और उसके बाद में दोनों वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो बोर्ड को कनेक्ट कर लिए और इसको क्या करेंगे कि हम इसमें लगा देते हैं, इनपुट है और ये हो जाता है हमारा आउटपुट। इसको भी क्या करते तो लगा लेते अच्छी तरह से। तो लगा दिए
और क्या करेंगे कि इसको हम लाइन पर लगा कर देखते हैं कि हमारा जो कि वोल्टेज है वो ड्रॉप कर रहा था दूसरे बोर्ड पर, और इस पर चेक करते हैं। तो लाइन पर लगाए और ये हो गया डिजिटल मल्टीमीटर, और टीवी हमारा लगता है कि ऑन हो गया है। ग्राउंड पर रखे ब्लैक वायर को, और रेड वायर को क्या करेंगे कि हम जो कि यहाँ पर वी जी एस का जो कि पॉइंट है, तो हमारा वी जी एस का जो कि वोल्टेज है वो एकदम स्टेबल है, जो कि हमारा इससे पिछले जो कि बोर्ड था उस पर हमारा ये वोल्टेज कम या ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इसमें हमारा एकदम ओके लगता है कि टीवी हमारा ओके हो गया होगा। तो चलते हैं और आपको डिस्प्ले की तरफ दिखाते हैं। जो कि आप भी देख सकते हैं हमारा जो कि टीवी है एकदम ओके हो गया है, जो कि यहाँ पर अभी आ गया है, जो कि पिक्चर का जो कि ग्राफिक्स है ये भी एकदम ओके हो गया है, जो कि पहले हमारा ये जो कि ग्राफिक्स अभी यहाँ आ गया है, जो कि ये हमारा धुंधला सा आ रहा था अभी इसमें एकदम ओके हो गया है। इसका मतलब हमारा इसमें ये टिकन बोर्ड हो गया, ये टिकन बोर्ड का जो कि ये हमारा आईसी हो गया डीसी टू डीसी आईसी, ये ख़राब हो जाने पर हमारा ऐसा फॉल्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे फॉल्ट को क्या करेंगे कि हम ऐसे भी रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि और भी कुछ हम नया सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।